हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने चैनल स्टॉक्स इन्वेस्टर में। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं मोरो ट्रेडिंग सेशन के टाइमिंग के बारे में और जानेंगे इसकी डेट क्या है। और हम लोगों ने ऐसे 5 स्टॉक पिक किए हैं जो आने वाले समय में आपको 1 साल के अंदर बेहतरीन कम से कम 20 से 30% रिटर्न देने की पोटेंशियल लगते हैं। तो यहाँ पे मोरो ट्रेडिंग का अगर हम टाइमिंग देखें, प्री ओपन मार्केट, मतलब आपको अगर ऑर्डर कोई प्री ओपन मार्केट में लगाना है तो 6 बजे से 6:08 तक आप लगा सकते हैं। और जो नॉर्मल ट्रेडिंग होगी वो 6:15 से 7:15, मतलब 1 घंटे के लिए ट्रेडिंग होगी नॉर्मल। और प्री ओपन मार्केट में जो भी आपको ऑर्डर लगाना है वो 6 बजे आप लगा सकते हैं। और इसकी जो डेट डिसाइड हुई है वो 24 अक्टूबर डिसाइड हुई है, मतलब दिवाली के दिन। और हम जानते हैं अब 5 ऐसे स्टॉक्स जो हम लोगों ने पिक किए हैं। सबसे पहला स्टॉक हमने पिक किया है बैंकिंग सेक्टर का, जिसका नाम है BOB बैंक ऑफ बड़ौदा। बेहतरीन 68,000 करोड़ मार्केट कैप वाली कंपनी। स्टॉक का पी अभी भी अंडर वैल्यूड है इंडस्ट्री के पी से। करंट प्राइस का 130 पे ट्रेड कर रहा है और इसने हाई, अगर 1 साल की परफॉर्मेंस के बारे में बात करें तो 143 का हाई लगाया है। प्रमोटर ने अच्छी खासी 64% की हिस्सेदारी बना के रखी है। और DI और FI का कंपेयर अगर डेटा अगर कंप्लीट देखते हैं तो यहाँ पे लगभग 25% की हिस्सेदारी FI DI ने बना के रखी है। मतलब किसी स्टॉक में अगर 25% की हिस्सेदारी आपको देखने को दे तो मतलब आप समझ सकते हैं कितना अच्छी पोटेंशियल है उस स्टॉक के अंदर। स्टॉक के PE के बारे में बात करें, हमने 5 साल का डेटा अगर कंपेयर करें तो यहाँ पर देखते हैं मेडियन इसका 17.4 निकलता है और अभी इस टाइम पे इसका PE लगभग 8 के आसपास ट्रेड करता है। मतलब काफ़ी अंडर वैल्यू है स्टॉक इस टाइम पे, तो आप बिल्कुल भी इसमें बैट ले सकते हैं करंट प्राइस पे। और उम्मीद की जा रही है कि आने वाले समय में आपको बेहतरीन रिटर्न देने की क्षमता रखता है। क्वार्टरली रिजल्ट की अगर हम बात करें तो यहाँ पे देख सकते हैं कि सेल्स जो भी है कंटिन्यू ग्रोथ होती जा रही है फ्रॉम लास्ट 3 और 4 क्वार्टर से। और उनके जो नेट प्रॉफिट है वो भी अच्छे खासे हैं, लगभग 2000 करोड़ एंड 1942 करोड़ फ्रॉम लास्ट क्वार्टर। एंड उससे पहले आपके 2000 करोड़ के प्रॉफिट इन्होंने जनरेट करके दिए थे, उससे पहले भी इन्होंने लगभग 2500 करोड़ के प्रॉफिट जनरेट करके दिए। तो आप इस स्टॉक में बिल्कुल भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, करंट प्राइस पे 130 है और उम्मीद की जा रही है आने वाले कुछ समय में इसके 150 से 170 के टारगेट आपको देखने को मिल सकते हैं विद इन 1 ईयर के अंदर। दूसरा हमने स्टॉक पिक किया है, उसका नाम है देवयानी इंटरनेशनल। देवयानी इंटरनेशनल जो इनके आउटलेट्स हैं वो KFC, पिज्जा हट, कोस्टा कॉफी, ये सब इनके काफी ब्रांडेड जो नेम है आउटलेट्स के, वो देवयानी इंटरनेशनल ऑपरेट करता है। इसका हम अगर मार्केट कैप के बारे में बात करें, अच्छी खासी 22,517 करोड़ की मार्केट कैप वाली कंपनी। स्टॉक का PE 86 है और इंडस्ट्री के PE 123, मतलब इंडस्ट्री के PE से भी काफी अंडर वैल्यूड स्टॉक है। स्टॉक का करंट प्राइस 187 है और इसने हाई 215 पर लगाया है फ्रॉम लास्ट 1 ईयर के अंदर। अगर हम प्रमोटर होल्डिंग की बात करें, अच्छी खासी 63% की हिस्सेदारी प्रमोटर्स के पास है। और DIFI के बारे में बात करें तो लगभग 13% की हिस्सेदारी इन्होंने भी बना रखी है इस स्टॉक के अंदर। अगर हम इसके 5 साल के कंपेयर करें डेटा के बारे में तो यहाँ पे एक्चुअली इसका 5 साल का डेटा है नहीं, क्योंकि इसका IPO लास्ट ईयर ही आया था। तो अगर हम उसका अगर मेडियन PE के बारे में बात करें तो इसका मेडियन 103 का PE है और इस टाइम पे इसका PE लगभग 85 के आसपास है, मतलब अंडर वैल्यूड यहाँ पे भी शो कर रहा है। तो बिल्कुल भी ये स्टॉक आपको आने वाले समय में अच्छी खासी रिटर्न देने की उम्मीद की जा रही है इस स्टॉक के अंदर भी। अब हम क्वार्टरली रिजल्ट के बारे में बात करें तो यहाँ पे देख सकते हैं इनके भी क्वार्टर अच्छे खासे यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। यहाँ पे इनकी सेल्स भी कंटिन्यू ग्रोथ होती जा रही है। तो हम दिसंबर में देखिए 624 फिर करोड़ की और मार्च में 591, जून में 750, तो मतलब इसकी सेल्स हमेशा ग्रोथ होती जा रही है कंटिन्यू फ्रॉम लास्ट 3 और 4 क्वार्टर से। और अगर प्रॉफिट के बारे में बात करें, इनके प्रॉफिट्स भी कंटिन्यू इंक्रीज हो रहे हैं, 47, 69, 45 एंड 77, तो मतलब इनके प्रॉफिट भी कंटिन्यू ग्रोथ हो रहा है, सेल्स भी ग्रोथ हो रही है कंटिन्यू। तो आप इस स्टॉक में बिल्कुल भी बैट ले सकते हैं और उम्मीद की जा रही है आने वाले समय में आपको ये कम से कम 225 इसका पहला टारगेट रहेगा और 245 का दूसरा टारगेट रहेगा। तीसरा स्टॉक हमने पिक किया FMCG सेक्टर का, जिसका नाम है ITC लिमिटेड। बेहतरीन 411,000 करोड़ की मार्केट कैप वाली कंपनी है। स्टॉक का PE 25 के आसपास है, इंडस्ट्री के PE मतलब 18 के आसपास है, मतलब इंडस्ट्री के PE से थोड़ा सा ओवर वैल्यूड स्टॉक है। और हाँ ठीक है, इतना ज्यादा नहीं है, तो आप बिल्कुल भी इसमें घबराने वाली कोई बात नहीं। स्टॉक काफी में काफी पोटेंशियल है और इस टाइम पे देख सकते हैं 332 पर ट्रेड कर रहा है और हाई इसका 350, मतलब 52 वीक का जो एवरेज है उसके आसपास ही ये ट्रेड कर रहा है। मतलब अगर ये 350 के आसपास थोड़ा सस्टेन करता है 355 के ऊपर, तो उम्मीद की जा रही है आने वाले समय आपको 370 से 400 के टारगेट आने वाले कुछ ही महीनों में आपको देखने को मिल सकते हैं इस स्टॉक के अंदर। स्टॉक के प्रमोटर होल्डिंग इसमें 0% दिखाई है। FI और DI ने बेहतरीन इसमें लगभग 55% की हिस्सेदारी बना के रखी है।
हम 5 साल के पीई के कंपेयर करें तो यहाँ पे देख सकते हैं इसका मीडियन लगभग 21 के आसपास है, और अभी भी इंडस्ट्री सॉरी स्टॉक का पीई 25 के आसपास है, मतलब थोड़ा सा ओवर वैल्यूड है, बट हाँ ठीक है, इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है, आप बिल्कुल भी इसमें बैठ ले सकते हैं। अगर हम क्वार्टरली रिजल्ट के बारे में बात करें तो यहाँ पे देखते हैं कंटिन्यूइंग की ग्रोथ भी अच्छी खासी इंक्रीज हो रही है फ्रॉम लास्ट 2 ईयर्स, देखिए 13,000, 14,000, 13,000, 13,000, 17,000, 16,000, 18,500, और इनका जो नेट प्रॉफिट है वो भी कंटिन्यू इंक्रीज होते जा रहे हैं फ्रॉम लास्ट 3 और 4 क्वार्टर से। ITC आने वाले समय में आपको मल्टीवेगर रिटर्न दे सकता है, तो बिल्कुल भी इस स्टॉक में आप बने रहिए, और महीनों के अंदर इसमें 400 से लेके 450 के टारगेट आपको देखने को मिल सकते हैं। दूसरा हमने स्टॉक पिक किया है जिसका नाम है किर्लोस्कर ऑयल इंजन, मतलब हमने किर्लोस्कर ग्रुप से ये स्टॉक को पिक किया है। इसमें अगर मार्केट कैप के बारे में बात करें, ज्यादा नहीं, लगभग 4,000 करोड़ की मार्केट कैप वाली कंपनी है। स्टॉक के पी 17 के आसपास है, इंडस्ट्री के पी 24, मतलब इंडस्ट्री के पी से काफी सस्ता स्टॉक देखने में मिल रहा है आपको। प्रमोटर ने इसमें अच्छी खासी 60% की हिस्सेदारी बना के रखी है, और FIIDI ने भी लगभग 18% का इसमें होल्डिंग बना के रखी है। टोटल एसेट्स यहाँ पे देख सकते हैं 5,000 करोड़ के इनके पास एसेट्स भी है, और डेप्थ इनके पास कर्जा लगभग 2,000 करोड़ का है। स्टॉक भी लगभग 271 के आसपास ट्रेड कर रहा है, और हाई इसने 291 का लगा है, मतलब 52 वीक के एवरेज के आसपास ही है। अगर यहाँ पे सस्टेन करता है 300 के ऊपर तो उम्मीद की जा रही है आने वाले कुछ ही समय में इसके अंदर 325 से 350 के टारगेट आपको देखने को मिल सकते हैं कुछ महीनों के अंदर। अगर हम पीई को कंपेयर करें तो यहाँ पे देखते हैं 5 साल के डेटा में, अगर इसका मीडियन अगर लगभग 13 के आसपास है इसका मीडियन, और अगर इस टाइम करंट पीई के बारे में बात करें लगभग इसका 17.5 के आसपास है, तो थोड़ा उसका ओवर वैल्यूड है, 20 से स्टॉक में बैठ ले सकते हैं और अच्छे खासे रिटर्न आपको दे सकते हैं आने वाले कुछ महीने के अंदर। क्वार्टरली रिजल्ट अगर हम कंपेयर करें तो इसकी सेल्स भी कंटिन्यू एक ही रेंज में लगभग घूम रही है। अगर लास्ट हम 2 साल की परफॉर्मेंस के बारे में बात करें, 9,000 से लगभग 950 करोड़ से लेकर लगभग 1,200 करोड़ के आसपास ही इसकी सेल्स लगभग दिख रही है। और अगर प्रॉफिट बिफोर टैक्स और के बारे में बात करें तो यहाँ पे देख सकते हैं अच्छे खासे इसके प्रॉफिट बिफोर टैक्स भी लगभग 100 करोड़, 50 करोड़, 40 करोड़, मतलब उम्मीद यार ये स्टॉक भी आपके आने वाले समय में अच्छे खासे रिटर्न दे सकता है। लास्ट स्टॉक हमने पिक किया है इसका नाम है फार्मा सेक्टर से सन फार्मा, बहुत सी बेहतरीन कंपनी ये, मतलब 2,34,000 करोड़ की मार्केट कैप वाली कंपनी है। स्टॉक का पीए लगभग 30 के आसपास है, और इंडस्ट्री के बीच 24, मतलब इंडस्ट्री के पीछे थोड़ा सा महंगा स्टॉक है, बट हाँ इसका नाम काफी अच्छा है। सन फार्मा का जो बिजनेस मॉडल है वो काफी बेहतरीन है, तो इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है। स्टॉक अभी लगभग 976 के आसपास ट्रेड कर रहा है, मतलब 52 वीक का जो एवरेज है उसके आसपास ही ट्रेड कर रहा है। तो अगर ये 1,000 के ऊपर अगर सस्टेन करता है तो आने वाले समय में आपको कम से कम 1,200 से 1,400 के टारगेट देखने को मिल सकते हैं विद इन 1 ईयर के अंदर आराम से इस स्टॉक के अंदर। प्रमोटर ने इसमें अच्छी खासी 55% की हिस्सेदारी बना के रखी है, और AIFI ने भी अच्छा खासा लगभग 35% की हिस्सेदारी बना के रखी है इस स्टॉक के अंदर। और टोटल एसेट्स के बारे में 70,000 करोड़ में बेहतरीन इनके पास एसेट्स हैं, और कर्जा भी मामूली सा लगभग 1,200 करोड़ का ही मामूली सा कर्जा है इनके पास। स्टॉक का पीई अगर हम कंपेयर करें लास्ट 5 साल का डेटा तो यहाँ पे देख सकते हैं इसका मीडियन लगभग 29 के आसपास है, और अभी भी करंट इसका जो पीई है वो भी लगभग 30 के आसपास ही, तो इसमें कोई भी ओवर वैल्यूड भी नहीं है ना अंडर वैल्यूड है, तो आप बिल्कुल भी इस स्टॉक में बैठ ले सकते हैं, और आने वाले समय में ये अच्छे खासे आपको रिटर्न दे सकता है। अगर हम क्वार्टरली रिजल्ट को कंपेयर करें तो यहाँ पे देख सकते हैं कि सेल्स भी कंटिन्यू बेहतरीन लगभग 2 साल से 3 साल में, कोई भी डेटा में कोई चेंज नहीं, कंटिन्यू इनकी सेल्स कभी भी डिक्रीज नहीं हुई, हमेशा अप ही होती जा रही है। और अगर नेट प्रॉफिट के बारे में बात करें अच्छे खासे इनके नेट प्रॉफिट भी बन रहे हैं, यहाँ पे देखिए 2,000 करोड़, 2,000 करोड़, 1,000 करोड़, 1,400 करोड़, 2,000, 2,000, और इनके जो मार्च क्वार्टर में थे वो काफी डिप हुआ था लगभग -2,000 करोड़ के, और हाँ जून क्वार्टर में उन्होंने काफी कवर किया था, तो 2,100 करोड़ के अच्छे खासे टॉप है। ये टॉप 5 स्टॉक थे जिनमें आप बिल्कुल भी बैठ ले सकते हैं, आपको कम से कम 20 से 30% के रिटर्न आपको देखने को मिल सकते हैं 1 साल के अंदर। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।